तो चलिए दोस्तों, अपनी हॉगवर्ट्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम मर्लिन ट्रायल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहले एक मेन क्वेस्ट आया था, द ट्रायल्स ऑफ मर्लिन करके, जिसमें हमें पता चला था कि मर्लिन ने जो है हाईलैंड्स में अलग अलग जगह पे अपने कुछ ट्रायल्स छोड़े हुए हैं, जो कि एक तरह की पजल है। हम जब उस पजल पे जाएंगे तो वो उस पर मेलोस्वीट डालेंगे तो वो पजल एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर हम चैलेंजेस में जाके देखें तो हमारे पास एक्सप्लोरेशन के अंडर जो है कंप्लीट मर्लिन ट्रायल्स करके चैलेंज है। और जैसे जैसे ये हम चैलेंज को कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारा जो गियर के स्लॉट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर अभी हम जाके देखें तो हमारे पास जो है गियर के 20 स्लॉट्स हैं। तो ये जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्रायल्स कंप्लीट करेंगे और वो चैलेंजेस कंप्लीट करते जाएंगे तो ये स्लॉट्स हमारे बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिला के जो है गेम में 95 मर्लिन ट्रायल्स हैं, जिसमें से एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि मेन क्वेस्ट का पार्ट था। उसके अलावा 94 ट्रायल्स और हैं। ये 94 ट्रायल्स में जो है 9 अलग अलग टाइप की पजल्स हैं। तो इस वीडियो में जो है हम वो 9 अलग अलग टाइप की पजल्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर हम एक बारी जल्दी से नज़र डालें जो हमारा मैप है, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो हमें दिखेगा कि हर एरिया में जो है, अगर हम टॉप राइट पर जाके देखें, अगर ये रहता है तो हाँ, तो मर्लिन ट्रायल्स जैसे टोटल जो है 95 है, जिसमें से हमने एक कंप्लीट किया जो कि मेन क्वेस्ट का पार्ट था। और अगर हम हर एरिया पे जाएं तो इधर हमें दिखेगा जैसे कि इधर नॉर्थ फोर्ट बोग में 4 मर्लिन ट्रायल्स हैं, फॉरबिडन फॉरेस्ट में जो है 3 है। ऐसे तो चलते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे और जो 9 अलग अलग टाइप के पजल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं पहले वाले पे। तो एक जो पजल टाइप हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था जो मेन क्वेस्ट का पार्ट था, उसमें ये था कि 3 पिलर थे और हमारे को जो है वो तीनों पिलर को जलाना था एक साथ। देखते हैं अब अगली पजल में क्या रहेगा। तो इधर जाके हम मेलो स्वीट डालेंगे इसके ऊपर तो ये ट्रायल एक्टिवेट होगा। इधर कुछ हुआ, रेवेलियो यूज करके देखते हैं। तो इधर जो है ये पत्थर है, तो इस ट्रायल में हमें जो करना है कि अगर हम ये पत्थर पे चढ़ें तो इससे हमारे को अगले पत्थर पे कूदना है। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर यहाँ से तीसरे पे कूदेंगे। तो ऐसे कर करके हमारे को अगले पे कूदना है। अगर हम बीच में गिर जाएंगे तो ये जो है फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा और हमारे को शुरू से फिर से करना पड़ेगा इसको। So tricky after all, Merlin. तो ये वाला हमारा ट्रायल पूरा हुआ। तो ये हम जो है वो आग लगाने वाला भी फिर से करेंगे। तो ये हमारा पहला पजल हुआ, इसमें ये कंप्लीट हुआ। अब अगर हम जाके चैलेंजेस खोलें और जाके एक्सप्लोरेशन पे देखें तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी भी जो है हमारा गेयर स्लॉट 20 पे ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि चैलेंज कंप्लीट हो गया तो वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे स्लॉट्स। हमारे को जो है चैलेंज में जाके इसका रिवॉर्ड को क्लेम करना है। तो इसको हम क्लेम करेंगे तो फिर ये गेयर स्लॉट्स बढ़ जाएंगे। तो अगला जो है हम 6 ट्रायल्स पूरे करेंगे तो फिर हमारे स्लॉट्स बढ़ेंगे। तो चल के देखते हैं कि कितने स्लॉट्स बढ़े हैं। तो अभी जो है 20 से 24 हो गए, तो हमारे 4 स्लॉट्स बढ़ गए हैं। तो ठीक है, मैप खोल के जो है अगले मर्लिन ट्रायल पे चलते हैं, देखते हैं कि अगली पजल में क्या मिलेगा हमें। तो ठीक है, ये वाला मर्लिन ट्रायल को सिलेक्ट करते हैं और ये वाला फ्लू फ्लेम यूज करके उसके पास चलते हैं।
निकलते हैं घर से बाहर। बिल्कुल सामने ही है ये वॉलियन ट्रेल, तो चलते हैं इधर। लगता है इधर आसपास कोई पोचेस भी हैं, बट ठीक है, उनसे भी भिड़ने की जरूरत नहीं है। तो इधर मैलो स्वीट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायल को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद रिवेलियो यूज करेंगे। तो देखते हैं इधर, एक दो तीन चार पांच ये पिलर हैं। तो इस वाले ट्रायल में जो है हमें ये पिलर्स को ब्लास्ट करना है, तो एक एक करके इनको ब्लास्ट करते हैं। ये लगता है कि इसके पीछे है, तो पहले कन्फ्रिंगो को इक्विप करते हैं पहले। और अब इसके बाद जो है, तो ये ऐसे ब्लास्ट नहीं होगा, इसको ब्लास्ट करने के लिए जो है हमें बम्बार्डा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा यहां पर है, तीसरा जो है फिर से उसके पीछे है, तो पहले जो है कन्फ्रिंगो का इस्तेमाल करेंगे उसको रिवील करने के लिए, और फिर बम्बार्डा का। चौथे के साथ भी ऐसा ही है। और पांचवा ऊपर है, इसको भी फोड़ते हैं। तो हमारा ये अगला मर्लिन ट्रायल भी कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी दूसरी टाइप की पजल, जिसमें पांच ऐसे पिलर हैं और हमें जो है उन पांचों पिलर्स को फोड़ना है बम्बार्डा यूज करके। तो चलिए मैप खोलते हैं और चलते हैं अगले मर्लिन ट्रायल पे। तो चलिए तीसरे मर्लिन ट्रायल की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सामने ही है। तो यहाँ से जो है अपनी ब्रूम स्टिक का इस्तेमाल करते हैं और चलते हैं। इधर और भी गॉबलिन्स हैं, बट ठीक है, उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर मेलो स्वीट का इस्तेमाल करके जो है ट्रायल को एक्टिवेट करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों तीसरे तरफ का पजल है। इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे एक दो और तीन ये पिलर्स हैं। अगर हम ये पिलर की तरफ जाएं, तो हम देखेंगे कि इन पे जो है कुछ सिंबल्स बने हुए हैं चारों तरफ। ऊपर एक जो पत्थर सा है उस पे भी, और नीचे जो पिलर है इस पे भी। तो हमारे को इस पजल में जो है ये सिंबल्स को अलाइन करना है फ्लिपेंडो यूज करके। तो एक बारी जो है इसको इक्विप करते हैं। और अब इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये हमारा सिंबल सेम है, बट देखें तो एक जो है हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो दूसरी साइड पे आके अलाइन करते हैं। ये जैसे अलाइन हो गया चारों तरफ से देखें अगर हम, और इस तरफ आके देखें तो ये भी अलाइन हो गया। तो ये हमारा पहला पिलर था, ऐसे ही हमारे को बाकी दोनों पिलर्स पे भी करना है। तो करते हैं फ्लिप एंड रोल। ये हो गया, अभी नहीं हुआ, ये अब हो गया। तो ये दूसरा पिलर भी हो गया। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो है इस तरफ से तो ऑलरेडी अलाइन लग रहा है, तो इस तरफ से जो है करते हैं इसको अलाइन, और ये भी हो गया। तो इसी के साथ जो है हमारा अगला मॉलिन ट्रायल का पजल भी कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, मैप खोल के जो है अगले मॉलिन ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो है हम ये वाला मॉलिन ट्रायल सिलेक्ट करते हैं और इस तरफ चलेंगे। तो चलिए घर से बाहर निकलते हैं, और ये वाला जो ट्रायल है ये बिल्कुल सामने ही है। तो चलते हैं, देखते हैं इस ट्रायल में क्या मिलेगा।
ठीक है, मेलो स्वीट यूज करके इसको एक्टिवेट करते हैं। चलिए ये एक्टिवेट हुआ, अब रिवेलियो यूज करके देखते हैं। तो ये वाले ट्रायल में दोस्तों, इस टाइप के पजल में जो है, ये सामने एक बड़ी सी स्टोन की बॉल है, ये हमारे को जो है किसी तरह इसके अंदर लानी है। तो सबसे पहले तो इस पर इंसेंडियो यूज करते हैं ताकि इस पर जो घास फूस है वो हटे। अब वो बॉल जो है हमारे को एक्यो यूज करके या डिपल्सो यूज करके इस यहाँ तक लानी है। तो चलते हैं ऊपर। और इस पे जो है डिपल्सो यूज करेंगे। और इस तरफ से परिवार करेंगे तो ये अंदर चली जाएगी। अरे वहां से बाहर निकल गई। ठीक है, इधर से जो है एक्यू यूज करते हैं। चलिए तो ये वाला जो है ट्रायल भी खत्म हुआ। तो ये थी हमारी चौथी टाइप की पजल। तो चलिए मैप खोलते हैं और बढ़ते हैं अगले ट्रायल की तरफ। तो चलिए अगले मलियन ट्रायल के लिए हम जो है ये वाले पजल की तरफ जाते हैं। ये वाला फ्लू फ्लेम यूज करके चलेंगे उस तरफ। तो ब्रूम स्टिक का इस्तेमाल करते चलते हैं। इधर भी आसपास काफी पोचर्स हैं। ठीक है, पहुंच गए। तो मेलो स्वीट का इस्तेमाल करके जो है पजल को एक्टिवेट करते हैं। रिवेलियो का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर जो है दोस्तों हमें ये दो और एक इधर है तीन, तो ये तीन पिलर्स दिख रहे हैं। इसमें जो है हमें क्या करना है कि आसपास हमें मॉथ्स भी दिख रहे हैं। ये तो वो जो मॉथ टू द फ्रेम टाइप का है वैसा सा है ये। तो इसके लिए जो है हम लूमोस को इक्विप करेंगे और ये मॉथ्स को जो है लूमोस यूज करके हम ये पिलर्स के पास लेके जाएंगे। तो ये पहला हो गया। अगला देखते हैं, एक इधर है तो इसको खोलने के लिए जो इंसेंडियो का इस्तेमाल करते हैं। फिर वापस लूमोस यूज करके ये मॉथ्स को लेते हैं और इधर छोड़ते हैं। और तीसरा जो है हमें सामने दिख रहा है, तो ये आ गए मॉथ्स और हमारा तीसरा पिलर वो रहा सामने। तो इसके साथ जो है हमारा अगला ट्रायल भी पूरा हुआ और अगली टाइप की पजल भी हमारी पूरी हुई। तो चलिए मैप खोल के बढ़ते हैं अगले ट्रायल की तरफ। तो अगला जो है हम ये वाले मॉलियन ट्रायल पे चलते हैं और जैकडॉस टूम के पास जो ये फ्लू फ्लेम है इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो बिल्कुल सामने ही है बट लेक को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो ब्रूम स्टिक से जल्दी से चलते हैं और मेलो स्वीट का इस्तेमाल करके ये पजल को एक्टिवेट करते हैं। देखते हैं ये पजल में क्या है। ठीक है, रिवेलियो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वो है, इधर एक पॉट रखा हुआ है जिसपे हमारे को इंसेंडियो यूज करना होगा या उस पर बेसिकली आग लगानी है। एक इस तरफ है
और तीसरा देखते हैं, तीसरा वो रहा। तो ये तीन पिलर्स के ऊपर ये जो पॉट्स रखे हुए हैं इनमें हमारे को आग लगानी है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि कन्फ्रिंगो को यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी रेंज बड़ी है, और ये वेब को हटाते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं, हाँ चलिए ये तो हटा। अब जो है थोड़ा सा, तो ये क्या है, पिलर को हम आग लगाएंगे तो थोड़े टाइम तक वो ऊपर रहेगा और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा, और अगर एक बारी वो नीचे पहुंच गया तो फिर उसकी आग बुझ जाएगी। तो इसलिए हमारे को ये काफ़ी जल्दी से करना होगा। अब कन्फ्रिंगो इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जल गया, इसको यहाँ से जलाते हैं और जल्दी से भागते हुए चलते हैं तीसरे वाले की तरफ और इसको भी जलाते हैं। तो इसके साथ हमारा जो है अगला मॉलिन ट्रायल भी पूरा हुआ, और ये हमारी छठी तरह की पजल थी तो ये भी पूरी हुई। तो ठीक है, मैप खोलते हैं और अगले मॉलिन ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले टाइप के पजल के लिए हम ये वाले मॉलिन ट्रायल पे चलेंगे। तो यहाँ के आसपास कोई फ्लू फ्लेम नहीं है तो ये अपने ब्रूम स्टिक का इस्तेमाल करके ही हम चलते हैं। चलिए पहुंच गए। तो जो है मेलो स्वीट का इस्तेमाल करके ये पजल को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, तो इस टाइप के पजल में दोस्तों जैसे ही हमने पजल को एक्टिवेट किया तो ये हम देख सकते हैं कि कुछ इधर स्टैचूज थी ये टूट गई, तो हमारे को जो है बस इसको रिपेयर करना है। तो अपना जो है स्पेल का वो खोलते हैं और रिपेयरों को इक्विप करते हैं। तो ये पहली स्टैचू रिपेयर हुई, इधर दूसरी स्टैचू है इसको रिपेयर करते हैं, तीसरी स्टैचू इधर है इसको रिपेयर करते हैं, और देखते हैं तीन हो गई रिपेयर, चौथी इधर है थोड़ी सी दूर है तो और पास जाना पड़ेगा। चलिए तो ये चार स्टैचूज हमने रिपेयर करी, तो ये हमारा जो है मॉलिन ट्रायल पूरा हुआ और ये हमारी सातवीं पजल थी। इसी के साथ हमारा जो है चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है। तो एक बारी जो है चैलेंज खोल के देखते हैं और रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं। अगला देखते हैं, अगले चैलेंज में हमारे को 10 ट्रायल्स को सॉल्व करना है रिवॉर्ड के लिए। एक बारी जो है जल्दी से गेयर स्लॉट्स खोल के देखते हैं, तो हमारे 24 थे अब 28 हो गए। तो लगता है कि हर चैलेंज जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो चार चार गेयर स्लॉट्स बढ़ते रहेंगे। तो चलिए मैप खोलते हैं और बढ़ते हैं अगले ट्रायल की तरफ। तो अगले पजल के लिए हम इस वाले मॉलिन ट्रायल पे चलते हैं, ये वाले फ्लू फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रूमस्टिक निकालते हैं और चलते हैं उड़ते हुए। ठीक है, बैलो स्वीट का इस्तेमाल करके इसको एक्टिवेट करते हैं। और ये हमारी पजल एक्टिवेट हुई, रिवेलियो का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें दिख रहा है कि पिलर्स के ऊपर जो है ये कुछ ऑर्ब्स रखे हुए हैं बॉल से, तो इसमें जो है हमारे को ये सारे बॉल्स जो हैं तोड़ने हैं। तो एक दो, काफ़ी सिंपल सा है ये, तो इसमें बस सारे ये जो है पिलर्स ढूंढने हैं
और एक एक करके इनको तोड़ना है और इसी के साथ हमारा याला जो है पजल भी पूरा हुआ। तो ये था हमारा 8वां पजल। तो बढ़ते हैं अगले मॉलियन ट्रायल की तरफ। तो अगले पजल के लिए हम चलते हैं इस वाले मॉलियन ट्रायल पे। ये जो है एरन शायर के पास आता है। बिल्कुल सामने ही है तो भागते हुए चलते हैं वहां पे। और मेलो स्वीट का इस्तेमाल करते हैं पजल को एक्टिवेट करने के लिए। रेवेलियो रिवेलियो का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पजल में दोस्तों हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें यहाँ पे थोड़े से छेद हैं। तो इसमें जो है हमारे को आसपास जो है कुछ ऑब्स होंगे, उनको ढूंढ के यहाँ तक लेकर आना है। तो चलिए ये ऑब्स ढूंढते हैं कि कहाँ पर हैं। ये रहे। तो इनको लाने के लिए जो है हमें विंगार्डियम लेवियोसा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसको इक्विप करते हैं। और इनको लेकर आते हैं। ये रहा प्लेटफॉर्म। तो ये एक सेट हो गया। ऐसा ही एक सेट और होगा आसपास कहीं, तो उसको ढूंढते हैं। हाँ ये रहा ऊपर। तो ये है दूसरा सेट और देखते हैं वो ऑब्स कहाँ पर हैं। वो रहे। तो विंगार्डियम लेवियोसा का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्स को लेकर आते हैं। चलिए ये भी हो गया। रेवेलियो तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म और भी होगा, तो उसको भी ढूंढते हैं। इस तरफ चलते हैं। रेवेलियो वो रहा सामने वो प्लेटफॉर्म। और देखते हैं इसके ऑब्स वो रहे सामने। तो इनको लेकर आते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो चलिए ये भी हो गया। और ये तीन प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है हमारा ये वाला मॉलियन ट्रायल भी पूरा हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे 9 अलग अलग तरह के पजल्स मॉलियन ट्रायल के लिए। जैसे मैंने पहले बोला था कि कुल मिला के जो है 94 मॉलियन ट्रायल्स बाकी हैं मेन क्वेस्ट का, अगर हम मॉलियन ट्रायल हटा दें तो 94 ट्रायल्स के लिए जो है ये अलग अलग 9 तरह की पजल्स ही रिपीट होंगी। तो इस वीडियो में हम बस ये 9 पजल्स कवर करेंगे।
बाकी जो है मैं एक बारी मैप खोल के दिखा देता हूँ। ये सारे मॉलिन ट्रायल्स जो हैं, ये जहाँ पे भी पत्ती बनी हुई है, ये सारे मॉलिन ट्रायल्स हैं। तो काफी फैले हुए हैं मैप में, फेल्डक्रॉफ में भी काफी सारे हैं। तो ये सारे मॉलिन ट्रायल्स जो हैं हम वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि पजल्स सारी रिपीटेटिव ही हैं। तो ये मॉलिन ट्रायल्स जो है मैं अलग से जो है कवर करके रखता हूँ। तो आज के लिए यहीं रुकेंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।